नहीं, हम पूरी तरह से सहमत हैं कि हाँ बच्चे थोड़ा घर में करते हैं, राइट। लेकिन और बहुत सारी माताएं भाई बहन कहते हैं कि कुछ ऐसा बताइए कि हमारे बच्चे हमारी बात माने, गुस्सा ना करें या पढ़ाई पर ध्यान दें, मोबाइल में ना घुसे रहें। अभी एक माता बाहर ही कह रही थी, भाई जी मेरा जो बच्चा है ना, खाना खाते वक्त मोबाइल उसे सामने चाहिए, उसे टीवी सामने चाहिए, मैं क्या करूं। अब हमने उनको बोला कि माता जी सच सच बताना, जब आप भोजन करती हैं तो आप क्या करती हैं? तो पता है माता जी ने बोला, हाँ जी आप ठीक कह रहे हैं, वैसे तो मैं भी भोजन पे टीवी ही देखती हूँ। तो कहाँ से कॉपी किया उसने, जब मैं भोजन कर रहा हूँ और मेरी ऐसे आई हूँ, तो उसने कॉपी कहाँ से मारा है? वो वहीं से तो मारा है। एक्चुअल में मन की जो भाषा होती है वो विजुअलाइजेशन होता है, पिक्चराइजेशन होता है। मन देख कर सीखता है और बच्चे का मन देख के सीखता है। सपोज आप बच्चे को बोलिए, सपोज बच्चा, छोटा बच्चा फ्रिज बार बार खींच रहा छोड़ रहा है, खींच रहा छोड़ रहा है, आप उसको बोलो डोंट डू इट, डोंट डू इट, डोंट डू इट, अरे डोंट डू इट, पर आप देखती है वो ही काम करता है। आप कहते अरे कितनी बार मैं तुझे बोलती हूँ बेटा डोंट डू इट, फिर भी तो वही काम करता है। वो करता है क्योंकि मन शब्दों की भाषा नहीं समझता, मन विजुअलाइजेशन की भाषा समझता है। आप उसे वो कार्य करके दिखाइए जो आप चाहते हैं, वो नहीं करेगा। लेकिन हम शब्दों 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 के साथ करते रहते हैं, वो कुछ समझ नहीं पाता है और फिर वो करता रहता है। ध्यान दें, अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चे शांत रहे, हमारे बच्चे खुश रहे, हमारे बच्चे टीवी मोबाइल वगैरह से को अवॉइड करें, तो हमें पहले ये कार्य करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आप किसी को कुछ भी देना चाहते हैं, सबसे पहले वो मेरे पास होना जरूरी है। अगर मैं किसी को शांति देना चाहता हूँ, प्रेम देना चाहता हूँ, सुख देना चाहता हूँ, मेरे पास नहीं है तो मैं दे सकता हूँ क्या? अगर मैं किसी भूखे को खाना खिलाना चाहता हूँ, मेरे पास खाना नहीं है, क्या मैं खाना खिला पाऊँगा? तो आज सभी जो मन है वो सुख शांति प्रेम के भूखे हैं, और हम उन्हें देना चाहते हैं, हम चाहते हैं भी ऐसा बने, शांत रहिए, सुखी रहिए, मेरा बच्चा गुस्सा ना करे, लेकिन मैं खुद उस पर गुस्सा कर रहा हूँ। जब मैं उस बच्चे को शांत करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, तो क्या कहती हूँ? ना हो चुप, हो रहा है ना चुप, राइट? खुद ही मैं उसको गुस्सा कर रहा हूं, चुप तो हो जाएगा तू, मैं गुस्से से उसको शांत कर रहा हूं। ये कैसा लॉजिक है? गुस्से से कोई शांत कैसे हो सकता है? मैं गुस्सा कर रहा हूं, गुस्से से शांत, वाह वंडरफुल भाई। दिया भी रोशनी से ही जलता है ना, आप अंधेरे से तो दिया नहीं जला सकते ना, तो अशांति से शांति कैसे आएगी? नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि हम खुद कैसा कर रहे हैं। यहाँ पे सभी पेरेंट्स जो बैठे हैं, ध्यान दें इस बात पर। हम जो भी बच्चों से चाह रहे हैं, सबसे पहले वो कार्य हमने खुद करना है। अगर हम नहीं करते हैं तो फिर शायद हमें शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं है, राइट? तो क्या करें फिर बताइए। तो ऐसे में हमें जो ध्यान देना है वो ये है। अब यहाँ पर एक बात है महत्वपूर्ण। अब आप कह रहे थे कि कुछ ऐसा मेडिटेशन के द्वारा बताइए कि हम उनकी मदद कर सकें, तो यहाँ पर हम एक कार्य कर सकते हैं। अब वो है कि जब आप सवेरे उठते हैं, जैसे सवेरे उठते हैं तो बच्चे आपके सोए रहते होंगे, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त, कौन कौन उठता है आप में से कोई? अच्छा सभी लगभग नहीं है ना, अच्छा हाँ फिर अच्छा उठते हैं, कुछ कुछ जल्दी उठते हैं, अच्छा कोई 5 बजे उठता है ना, कुछ कोई 6 बजे है ना, ऐसे कोई बात नहीं, आप मानो 5 बजे उठते हैं, ठीक है, और आपका बेटा सोया हुआ है, बेटी सोई हुई है, बच्चा सोया हुआ है। अब आप देखते हैं कि बच्चा सोया हुआ है, तो बच्चा सोया है लेकिन सबकॉन्शियस माइंड से बच्चा जागा हुआ है, मतलब कॉन्शियस माइंड से सोया है, सबकॉन्शियस से जागा हुआ है, यानी अवचेतन मन हमारा जागा हुआ होता है, वो 24 घंटे कार्य करता है। लेकिन दिन में सबकॉन्शियस माइंड को अगर आप कोई कमांड देते हैं तो वो एक्सेप्टेड नहीं होती, क्योंकि कॉन्शियस माइंड उस वक्त जागा हुआ रहता है। तो अगर आप बोलें किसी बच्चे को कि बेटा आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो शांत स्वरूप हैं, सुखी हैं, तो उसके बच्चे का जो कॉन्शियस माइंड है वो अवॉइड कर देगा उस बात को, क्योंकि उस बच्चे को 100 बार पहले बोला जा चुका है तुम किसी काम के नहीं हो, तुम बेकार हो, ये हो वो। लेकिन जैसे ही आप ये, जब वो सोया हुआ है तो कॉन्शियस माइंड सोया हुआ है,
अब सबकॉन्शियस माइंड तो जागा हुआ है ही, और जो संस्कार होते हैं, हैबिट्स होती है, वो सबकॉन्शियस माइंड में होती है। तो जैसे ही आप सवेरे उठे, तो उठते ही अपना कनेक्शन सबसे पहले उससे बनाएं जिसके पास वो सारा माल है जो माल आपको उस बच्चे ने देना है, यानी परमात्मा से। परमात्मा पिता से कनेक्शन बनाए, और कनेक्शन बनाकर अपने आप से बातें करें कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर का मालिक एक आत्मा हूँ, और वो भी साधारण नहीं हूँ, बहुत बहुत शक्तिशाली हूँ। क्यों शक्तिशाली हूँ? लॉजिक दीजिए खुद को कि मैं सर्वशक्तिमान की संतान हूँ, इसलिए मैं शक्तिशाली हूँ। सर्वशक्तिमान मेरे पिता है, मैं उनका बच्चा हूँ, इसलिए मैं शक्तिशाली हूँ। मैं देख रहा हूँ उनकी सर्वशक्तियों का प्रकाश मेरे मन पर बरस रहा है। मैं देख रहा हूं मेरा मन शक्तियों से भरता जा रहा है। विजुअलाइज करने का प्रयास करें, जैसे फाउंटेन पड़ता है ऐसे ईश्वर की शक्तियां मेरे ऊपर पड़ रही हैं, मेरे मस्तक पर बरस रही हैं, मेरे नैनों से मेरे अंदर प्रवेश कर रही हैं, और निकलकर, अब देखिएगा, निकलकर, जैसे टैंक में पानी भर गया तो निकल के बहने लगता है, निकल कर वो जो आत्मा आपका बच्चे का रोल अदा कर रही है ना, वहां लेटी हुई है, उसको देखिए, संकल्प करिए, उसको देखिए और संकल्प करिए, ये भी ईश्वर की संतान है। ऐसा करते क्या हो जाएगा? अपना जो अधिकार है ना, वो थोड़ा हल्का होगा उससे, और थोड़े निश्चिंत और बेफिक्र होने लगेंगे, माइंड की प्रोग्रामिंग होने लगेगी कि ईश्वर का बच्चा है, ईश्वर का बच्चा, ईश्वर का बच्चा है तो ईश्वर के बच्चे कैसे होने चाहिए। जब से बार बार ये थॉट आप देंगे, ये ईश्वर का बच्चा है, ये शिव बाबा का बच्चा है, हमेशा कहते हैं शिव बाबा, बाबा मतलब हम बाबा कहते हैं परमात्मा को, शिव बाबा का बच्चा है, आप ऐसा कहेंगे ये शिव बाबा का बच्चा है, तो क्या होगा? जो हमारे माइंड में बहुत अच्छे से घुसा हुआ है ना, मेरा है मेरा है मेरा है, तो ये हम वरी करते हैं ना, लेकिन माइंड में धीरे धीरे उन्हें लगेगा ये शिव बाबा का बच्चा, भगवान का बच्चा, मेरे को क्या चिंता उसकी। दूसरा, ये तो हुआ। अच्छा, ये अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो परमात्मा की शक्ति आप में समा रही है, जब आप बोलेंगे शिव बाबा का बच्चा, उसकी शक्ति आप में समाएगी और आपके माइंड से उसके माइंड पे सीधा फोकस होगी उस समय के लिए। आप उसे थोड़ी देर में वो दे जाएंगे जो पूरे दिन में कोशिश करने के बाद भी नहीं दे सकते, वही तो उसे चाहिए। दूसरा थॉट, ये शिव बाबा का बच्चा है, बहुत बड़ी बात है, ये बात बड़ी छोटी लग रही है पर बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। अरे वो सोया है तब करना, ये बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आप चाहें तो उसके पास बैठ सकते हैं, बैठ के उसके सर पे हाथ फेरिए आराम से, शिव बाबा का बच्चा है, बहुत प्यारा है, बड़ा शांत है, बहुत शांत है, सारा का सारी ये बातें उसका सबकॉन्शियस माइंड सीधा स्वीकार करता चला जाएगा, क्योंकि वो उसका कॉन्शियस माइंड सोया हुआ है। आप रिजल्ट देख के हैरान रह जाएंगे, वाओ सचमुच, पर करिए तो सही, करिए, करके देखिए जरा। आप इसे निरंतर 21 दिन करिए, केवल 3-4 मिनट करिए, रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, करिए। और भी आप जो कुछ उसमें ऐड करना चाहे कर देना, आपका फोकस बहुत अच्छा है, आप तो बहुत रॉयल हैं, इस तरीके से आप पढ़ाई बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत स्वस्थ हैं, देखना, इससे आपका भी फायदा उसका भी फायदा, क्योंकि दोनों माइंड्स को ही अच्छे अच्छे थॉट मिल रहे हैं, और दोनों माइंड्स इस वक्त ईश्वर से कनेक्ट